दोस्तों, हमारे जीवन में एक लंबे समय तक हमें ये समझते थे कि हमारी पृथ्वी एक संपूर्ण अंतरिक्ष का केंद्र है और हमारे सूरज और प्लैनेट हमारे चारों ओर घूमता है। लेकिन ईयर 1543 में पोलैंड के एस्ट्रोनॉमिक्स निकोलस कॉपरनिकस ने हीलियोसेंट्रिक थ्योरी दुनिया के सामने रखी और हमारे एक झटके में यूनिवर्स के देखने के नजरिए को बदल दिया। निकोलस कॉपरनिकस ने हमें बताया कि सूरज जो हमारे सोलर सिस्टम का केंद्र है वो हमसे रेस्ट में रहता है और हमारी पृथ्वी सतह सभी ग्रह उसके चक्कर लगाते हैं। इस थ्योरी ने आपके एस्ट्रोनॉमी के फील्ड को नई दिशा दी। लेकिन अगर मैं कहूं कि ये थ्योरी पूरी हद तक सही नहीं है तो आप क्या कहेंगे? तो अगर मैं आपको बताऊं हमारा सूरज भी धरती की तरह सी के चक्कर लगाता है तो आपका क्या रिएक्शन होगा और क्या आप यकीन करेंगे? आज के ये वीडियो देखने के बाद आपके सूरज को देखने का नजरिया एकदम से बदल जाए। सन हमारे सोलर सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह हमारी पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूरी में है और इसका मास हमारी पृथ्वी से 3 लाख गुना बड़ा है। सूरज 75% हाइड्रोजन और 25% हीलियम और 2% ऑक्सीजन और न्यूट्रॉन से बना हुआ है। वैसे आपने कभी ये सोचा है कि सूरज भी दूसरे प्लेनेट की तरह अपने एक्सिस पर रोटेट करता होगा? वेल, जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सोचा है। सूरज भी अपने एक्सिस में रोटेट करता है और उसे अपने रोटेशन कंप्लीट करने में 27 दिन का वक्त लगता है। तो गाइस, अब बात ये आती है कि जिस तरह हमारी पृथ्वी सूरज के चारों तरफ रिवॉल्व करती है, क्या उसी तरह सूरज भी किसी ऑब्जेक्ट के चारों तरफ रिवॉल्व करता है? लेकिन क्या आपको पता है कि हमारा सूरज भी अपने ऑर्बिट में किसी ऑब्जेक्ट के कई सालों तक रिवॉल्व करता है? जी हाँ, सिर्फ सूरज ही नहीं बल्कि कहा जाए कि पूरा का पूरा सोलर सिस्टम ही उस ऑब्जेक्ट का रिवॉल्व कर रहा है और वो ऑब्जेक्ट हमारी मिल्की वे गैलेक्सी का सेंटर है। इससे पहले कि हम मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर की ओर बढ़ें, उससे पहले मिल्की वे गैलेक्सी के बारे में कुछ जान लेते हैं। मिल्की वे गैलेक्सी एक स्पाइरल शेप की गैलेक्सी है और इसका डायमीटर 1 लाख लाइट ईयर्स है, जो 9.46073050×10^17 किलोमीटर होता है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ मिल्की वे गैलेक्सी में 400 अरब तारे हैं। अगर बात करें हमारी सोलर सिस्टम की पोजीशन की तो यह मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर के करीब 27,200 लाइट ईयर्स की दूरी में है और यह 225 किलोमीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर के चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है। सूरज के इसके चारों ओर रिवॉल्विंग केपलर ऑर्बिट को फॉलो नहीं करता, जैसे हमारी धरती सूरज के एक सर्किल ऑर्बिट रिवॉल्व करती है, उस तरह सूरज मिल्की वे के चारों ओर रिवॉल्व नहीं करता बल्कि ये अपने ऑर्बिट में बॉवल मूवमेंट करता है। इस तरह सूरज मिल्की वे के अराउंड करीब 23 से 25 करोड़ सालों में एक रिवॉल्यूशन कम्प्लीट कर लेता है। आप लोग यह सोच रहे होंगे कि आखिर सूरज किसके चक्कर लगा रहा है, तो मैं बता दूं कि हमारा सूरज मिल्की वे के सुपर मैसिव ब्लैक होल के सेंटर के चक्कर लगा रहा है।